डिस्कस पहले उसको कर, पहले वो डिस्कस कर लिया अपन। मॉड्यूल का भी क्वेश्चन मैंने दिया था। चलो एग्जामिन द सीजन वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अट्रैक्ट इनकम टैक्स इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट। सबसे पहला सैलरी पेबल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू मिस्टर जॉन आर सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ 7 लाख फॉर द सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। कंसीडर दैट ही पेस टैक्स एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BAC। इनकम टैक्स अट्रैक्ट होगा क्या पहले से ये बताओ कि सैलरी अक्रूड टू बी इंडिया मानी जाएगी है ना, बट अगर उसकी इनकम 7 लाख ही है तो फिर टैक्स जीरो लगेगा। ठीक है, समझ गए। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया 5 लाख। नॉन रेसिडेंट से बोरो किया, किसने बोरो किया? बाय अ नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट से बोरो किया फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया। हाँ, अक्रूड इन इंडिया, ठीक है, 5 लाख इज टैक्सेबल इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंटरेस्ट ऑफ 19,000 रिसीव्ड बाय अ रेसिडेंट असेसी मिस्टर राम एजेड 46 इयर्स इफ ही एक्सरसाइज द ऑप्शन। इसको भी छोड़ दो ठीक है, क्योंकि ये अभी अदर सोर्सेस का इंटरेस्ट का पॉइंट है। इंटरेस्ट एक्चुअली टैक्सेबल होता है अदर सोर्सेस के अंदर, बट उसके अंदर कुछ डिडक्शन लग जाता है। चलो ये बताओ, फोर्थ रॉयल्टी पेड बाय अ रेसिडेंट By a resident to a non-resident in respect of business carried on outside India. Exception लग रहा है, ठीक है ना? तो accrued in India नहीं, ठीक है? Legal charges of 5 lakh paid in Delhi to a lawyer of United Kingdom paid in Delhi. रिसीव्ड इन इंडिया है, अप्रूव्ड इन इंडिया, ठीक है। थर्ड वाला भी रिसीव्ड पोस्ट ऑफिस से रिसीव हुआ तो वो अप्रूव्ड इन इंडिया, बट उसको टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा वो अपन समझे, ठीक है। क्लियर है? उसमें कुछ कुछ डिडक्शन मिल जाता है, बाकी पे टैक्सेबल होता है। क्लियर है क्या यहाँ पर? डाउट है? डाउट क्या था वैसे? अप्रूव्ड इन इंडिया तो होगा, टैक्सेबल कितना होगा वो अदर सोर्सेस पे। ठीक चलो जल्दी से चैप्टर वन रिवाइज करने, अब देखो रिवीजन में नहीं बैठना चाहे करो तो वो नहीं करते, अब वो देखते हैं रिवीजन कब तक जाएगा। हाँ, जब तक कुछ और पढ़ना है तो कर सकते हैं होमवर्क वगैरह दूसरे सब्जेक्ट। चलो जल्दी से स्टार्ट करें अपन। चार्जिंग सेक्शन से स्टार्ट करते हैं है ना, ठीक है। चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? चार्जिंग सेक्शन ठीक है, और किस पे लगता है, कौन से पर्सन पे? एवरी पर्सन ना, कौन सी इनकम पे जो कि प्रीवियस ईयर में कमाई,
ठीक है। अच्छा, किस पे लगता है? टोटल इनकम पे लगता है। टोटल इनकम कैसे आती है? पांचों हेड की इनकम को ऐड करते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें रिडक्शन माइनस करते हैं तो टोटल नेट टोटल इनकम ना। और कौन से रेट पे लगता है? जिस रेट, जो रेट प्रिस्क्राइब्ड है फाइनेंशियल फाइनेंस एक्ट या फिर इनकम टैक्स एक्ट या बोथ। कितने टाइप के पर्सन हैं इनकम टैक्स एक्ट में? सेवन। सिर्फ नाम रिवाइज करेंगे। इंडिविजुअल, एचओएफ, कंपनी, एओपी, पीओआई, एजेपी और लोकल अथॉरिटी। और फर्म जिसके अंदर क्या आ रहा है? एलएलपी भी। चलो रेट्स पर आओ, जल्दी से रिवाइज करेंगे। हाँ, सबसे पहले रेट्स दो टाइप के हैं, एक तो नॉर्मल जनरल रेट्स और एक डिफॉल्ट स्कीम वाले। डिफॉल्ट स्कीम वाले मतलब 115 BAC वाले, ठीक है। जनरल की अगर अपन बात करें, जनरल में भी दो हैं, जनरल और स्पेसिफिक। स्पेसिफिक इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दिए हुए हैं, जैसे विनिंग पर 30% है ना, LTCG, STCG, सब में अलग अलग रेट्स है, ठीक है। जनरल क्या है? जनरल में तीन कैटेगरीज बनी हुई है, ठीक है। एक तो इंडिविजुअल, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, एओपी, बीओआई, एचयूएफ, ठीक है, और एजेपी। बेसिक एग्जेम्पशन कितना है? 2.5 लाख, 2,50,000। 2,50,000 तक में, 2,50,000 से 5 लाख के बीच में जो इनकम है उसमें 5%, 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो इनकम है उसमें 20%, और 10 लाख के ऊपर है जो 30%, ठीक है। फिर दूसरा लाख किसके लिए है? इंडिविजुअल रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, ठीक है। इंडिविजुअल रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट पे ये वाला लाख नहीं लगता, नॉन रेसिडेंट पे 2.5 लाख वाला ही लगाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल रेसिडेंट सीनियर सिटीजन मतलब 60 इयर्स से ज्यादा वाला, 60 इयर्स और मोर, कितना बेसिक इंटेंशन है? 3 लाख। 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख, और 10 लाख के ऊपर 30%। फिर थर्ड स्लैब है 80 इयर्स, इंडिविजुअल रेसिडेंट ओनली, नॉन रेसिडेंट कवर्ड नहीं है, ठीक है ना। और बाकी इंडिविजुअल के अलावा और भी कोई पर्सन कवर्ड नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए। हाँ, अप टू 5 लाख बेसिक एग्जेम्पशन। फिर हाँ बता, बोलो। अगर डिफॉल्ट लगाना है तो डिफॉल्ट तो एक ही है, 7 लाख वाला। 7 लाख वाला नहीं हो, 3 लाख वाला, ठीक है, जिसमें 7 लाख तक कुछ नहीं लगता। और अगर बोला है कि शिफ्ट आउट किया है उसने 115 BAC से, तो 2.5 लाख वाला ही लगाएंगे, नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, तो 60 और 80 वाला तो उस पर लग ही नहीं। डिफॉल्ट हाँ, टैक्स और पार्शियल इंटीग्रेशन डिफॉल्ट स्कीम के साथ है। अजम्पशन मान लेना कि डिफॉल्ट स्कीम, हमेशा डिफॉल्ट स्कीम का अजम्पशन इसलिए लेना क्योंकि इसका नाम क्या है? डिफॉल्ट है, कुछ नहीं दिया तो क्या करेंगे? डिफॉल्ट लगाएंगे, समझ रहे क्या? और अजम्पशन जरूर लिख देंगे, ठीक है। वी आर अज्यूमिंग दैट वी आर नॉट शिफ्टेड आउट फ्रॉम 115 BA, ठीक है। देखो अजम्पशन लिख देते हो तो सेफ रहोगे, पेपर चेक नहीं किया। पेपर चेक तो कर ही लिए थे तुम लोगों ने, अब मैं कल वाला चेक करूंगी। चलो अभी नॉर्मल स्कीम के अंदर ही है अपन, है ना। सरचार्ज के रेट्स बताओ फटाफट। अप टू 50 लाख नेल, अप टू 50 लाख अगर टोटल इनकम है तो नेल, है ना। अगर टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है 1 करोड़ तक, तो कितने परसेंट सरचार्ज लगेगा? सरचार्ज किस पे लगता है? टैक्स पे। अगर 1 लाख से ऊपर 2 करोड़ तक है तो
1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक है तो 15%, 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक है तो 25%, और 5 करोड़ के ऊपर है तो 37%। ठीक है, अच्छा राउंड ऑफ करना याद रखना, पर एमसीक्यू में अगर राउंड ऑफ नहीं किया है तो देख लेना। ठीक है, राउंड ऑफ फॉलो करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि राउंड ऑफ तो करना ही होता है हमको, है ना। ठीक है चलो, माइनर लीग के कॉन्सेप्ट याद है, माइनर लीग का मैंने सेट भी लिखवाए थे तुम लोगों को। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ कब कब चेक करेंगे, नॉर्मल स्कीम के अंदर 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा जाएगी। अच्छा इसके अलावा बाकी के रेट्स याद है क्या, बाकी के कंपनी के रेट्स क्या है, डोमेस्टिक कंपनी में अगर टर्नओवर प्रीवियस ईयर 21-22 अप टू 400 करोड़ है तो 25%, और अब उसके अलावा कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है तो 30%, और फॉरेन कंपनी है और सरचार्ज डोमेस्टिक कंपनी पे 1 करोड़ के ऊपर 7%, 10 करोड़ के ऊपर, हाँ 1 करोड़ से 10 करोड़ इनकम है तो 7%, और 10 करोड़ के ऊपर इनकम है तो 12%, और फॉरेन कंपनी पे 1 करोड़ से 10 करोड़ इनकम है तो, परसेंट और 10 करोड़ के ऊपर इनकम है तो, वेरी गुड। ठीक है, ना तो वो भी अदरवाइज का एंट्री है ना। चलो फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, तीनों के रेट सेम है। टैक्स रेट कितना लगता है, फ्लैट 30% है ना। सरचार्ज लगता है 1 करोड़ के ऊपर अगर इनकम है तो 12%, एचईसी हमेशा ऐड करना है एंड में सब कुछ होने के बाद। ठीक है, कॉर्पोरेटेड सोसाइटी का फ्लैट रेट याद है, टोटल इनकम अप टू 10,000 है तो 10%, 10,000 से 20,000 है तो 20%, और 20,000 से ऊपर है तो, और डोमेस्टिक कंपनी वाला सरचार्ज का रेट लगा दो। ठीक है, माइनर लीग के स्टेप्स बता दो, सबसे पहले जो टोटल इनकम है उस पे टैक्स निकालेंगे, नॉर्मल टैक्स प्लस सरचार्ज निकाल ले। ठीक है, सरचार्ज भूल मत जाना। फिर क्या करेंगे, टैक्स ऑन, अगर जैसे मान लो 50 से ऊपर गई है तो टैक्स ऑन 50 लाख, 1 करोड़ से ऊपर गई है तो टैक्स ऑन 1 करोड़, पर 1 करोड़ होगी, 2 करोड़ होगी, 5 करोड़ होगी तो सरचार्ज भी लगेगा। ठीक है ना, 50 लाख होगी तो सरचार्ज नहीं लगेगा, 50 लाख तक की इनकम पे कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, तो टैक्स ऑन 50 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़ लगाएंगे, प्लस सरचार्ज लगाएंगे, प्लस क्या करेंगे जो एक्सेस इनकम, कैसे निकालते हैं एक्सेस इनकम, नेट टोटल इनकम माइनस 50 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ या 5। अब देखेंगे दोनों में से विच एवर इज लोअर, जो लोअर है वो हमको पे करना है, उसमें एचसी ऐड कर देंगे और पे करना। रिबेट बताओ, सेक्शन 87A नॉर्मल स्कीम के अंदर रिबेट, ठीक है क्या है, ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है, अगर उनकी इनकम अप टू 5 लाख है, ठीक है, तो उनको रिबेट मिलेगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलेगा, नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगा, किसी और पर्सन को नहीं मिलेगा। समझ में आया क्या? ठीक है, कितना मिलता है, टोटल टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस, तो लेस वाला अमाउंट लेस कर देंगे और बाकी का रिमेनिंग पे कर। रिबेट कौन सी वाली इनकम को छोड़कर निकालना है, 1/2A, तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये 1/2A वाला एलपीसीजी है तो उसको छोड़ देना, ठीक है, उसको मत निकालना। चल जल्दी से पहले एग्रीकल्चरल इनकम डिस्कस करते हैं, फिर अपन स्पेसिफिक वाला।
चलो, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया शैल बी एग्जेम्प्ट। ध्यान रखेंगे अगर एग्रीकल्चरल लैंड बाहर है तो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ठीक है। एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर क्या आता है? चार चीजें अपन ने नोट डाउन करी थी, है ना? नोट्स में तीन चीजें थी पर फिर चार में अपडेट किया था उसको, ठीक है। क्या क्या था? रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, ठीक है। फिर सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में मैंने समझाया था तुम लोगों को कि उसको प्रोसेस किया है, अगर जो प्रोसेस नेसेसरी है तो फिर वो एग्रीकल्चरल इनकम है, पर अगर वो नेसेसरी नहीं था, कंपलसरी नहीं था, फिर भी हमने प्रोसेस कर दिया, तो हमको एग्रीकल्चरल इनकम को अलग करना है और बिजनेस इनकम को अलग करना है, ठीक है। फिर रेंट फ्रॉम फार्म हाउस किसके लिए यूज होना चाहिए? पर ड्वेलिंग हाउस या स्टोर हाउस, ठीक है। फिर इनकम फ्रॉम नर्सरी, ठीक है। अच्छा, अलग अलग करने का तरीका रूल नंबर 7 है ना, देखो कब अलग करेंगे। अगर रॉ फॉर्म में दिख रहे हैं तो अलग नहीं करेंगे, अगर नेसेसरी प्रोसेस है तो अलग नहीं करेंगे, बट अगर ऑप्शनल प्रोसेस कर रहे हैं हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे तो हम अलग करेंगे, ठीक है। वो चार्ट ये मैंने चार्ट बनाया था, है ना। तो कैसे अलग अलग करेंगे? एग्रीकल्चरल इनकम क्या होगी? अपन लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो कि फर्दर प्रोसेस हो, हम उसको फर्दर प्रोसेस नहीं करते तो हम उसको बेचते ना, हम कितने में बेच पाते हैं? वो मार्केट वैल्यू देखी अपन ने, उसमें से लेस कर दिया हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कल्टिवेशन, सिर्फ उगाने तक की कॉस्ट, है ना, माइनस कर दिया तो क्या आ गई? एग्रीकल्चरल इनकम। और बिजनेस इनकम कैसे आएगी? फाइनल प्रोडक्ट जो बना के प्रोसेस करके बेचा, उसमें से क्या क्या माइनस करना है? दो चीजें, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है। सिंपल है रूल नंबर 7। अच्छा हाँ ये हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में तो अभी की नहीं, हम एक है 60% पास है। पहले 60% मुझे तो समझा दे क्या है। अच्छा, और 60% जो प्रोड्यूस करो उसको फर्दर प्रोड्यूस करो, ठीक है, ओके। ये तो हम फेयर मार्केट वैल्यू यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअली जो हमने कॉस्ट जो लगी है हमने इनकम वैल्यू तो वो भी हम बाद में उसको रिड्यूस कर नहीं, रहे वो यहाँ से रिड्यूस हो चुकी है, वो यहाँ से रिड्यूस हो चुकी है। हैं, वो हमने दूसरे पॉइंट में भी कर रहा है। नहीं देख, एग्जाम्पल लिया अपन ने, ये लिया था ना एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या किया अपन ने? 1,000 टन अपन ने बनाए टमाटोज, उसमें से 300 तो रॉ फॉर्म में बेच दिए, तो हट गया वो 1 लाख का, 30,000 यहाँ आ गया, बाकी 700 टन का कितना हो गया? 70,000। 70,000 यहाँ से माइनस हुआ एग्रीकल्चरल इनकम से, तो दोबारा थोड़ी माइनस होगा, रिडक्शन तो एक ही बार मिलेगा ना, माइनस। वहां पर एफएमवी क्यों ले रहे हैं? यहाँ पर हम मान रहे हैं कि हम अगर 700 टन बेच देते तो कितना रेवेन्यू आता, उसमें से खर्चा कितना है? 70,000, तो कितनी इनकम होती है एग्रीकल्चरल इनकम। और वहां क्या मान रहे हैं कि कैचअप बनाने के लिए हम अगर 700 टन टमाटो खरीदते, हम क्या कॉस्ट इनकर कर रहे? तू सोच के देख कि सिर्फ टमाटो खरीद रहा है और कैचअप बना रहा है तो देखो क्या कॉस्ट लगेगी। एक तो टमाटो खरीदने की कॉस्ट लगेगी और दूसरा उसको प्रोसेस करने की कॉस्ट, दो ही लगेगी ना। टमाटो को कल्टिवेट करने की कॉस्ट थोड़ी लगेगी, वो तो तूने खरीदे ना। हाँ, हमने बेच दिए, ठीक है, तो हमने कितने में खरीदे? एफएमवी में, है ना, और हमने कॉस्ट ऑफ
ठीक है, समझ गए क्या हो गया, वाला क्या था, कुछ नहीं था, ये क्या है, ये चलो जल्दी से बताओ। हाँ तुमको जो अभी दिखाया है उसको करो, ठीक है। चलो रूल नंबर 8 बताओ। सेवन तो हो गया, चलो रूल नंबर 7 में 8 क्या है, टी है ना, टी का रेशियो बता दो। सिर्फ रेशियो ही याद रखने वाला, 40-60, कम वाला बिजनेस के लिए होगा, ज्यादा वाला एग्रीकल्चर के लिए होगा, ठीक है। अच्छा रबर के लिए जो रेशियो है वो क्या है, 35, तो भूल गया था, और भूल गया था, हाँ 35-65, ठीक है। कॉफी के लिए दो टाइप है, अगर कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड बस है तो 25-75, और ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड है तो राउंडेड है ना, 40-60। पार्शियल इंटीग्रेशन के स्टेप्स, पार्शियल इंटीग्रेशन कब लगेगा, इंडिविजुअल एच यू एफ एओपी पीओआई एजेपी, सिर्फ तभी लगेगा, और उसकी जो टोटल इनकम है, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, टोटल इनकम मतलब नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम तो एग्जेम्प्ट कर दी ना, ठीक है, तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जेंप्शन से ज्यादा है, तो फिर पार्शियल इंटीग्रेशन लगाएंगे। पार्शियल इंटीग्रेशन में स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, टोटल नॉन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स निकालेंगे, ठीक है, एचईसी नहीं करना, एचईसी टैक्स में करेंगे ना, उसमें से लेस करेंगे टैक्स ऑन बेसिक एग्जेंप्शन प्लस एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है, वो माइनस कर देंगे, स्टेप 1 में से स्टेप 2 माइनस उठाएगा, जो बचेगा उसको हमको पे करना है, उसमें एचईसी ऐड कर देना और वो फाइनल टैक्स लाइक, ठीक है, डन। चलो अब इसके बाद अपन ने क्या सीखा, अच्छा अपन ने वो भी कुछ कुछ सीखे ना, पहले अपन बीएससी रिवाइज करें, 115 बीएससी, ठीक है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम किसके लिए अपन ने पढ़ी है अभी, इंडिविजुअल एच यू एफ एओपी बीओआई एजेपी, ठीक है, स्लैब क्या है, 3-3 लाख का डिफरेंस करते जाना है, और इसमें 5-5% का डिफरेंस करते जाना है ना, तो अप टू 3 लाख नो टैक्स, क्या मतलब, हाँ लास्ट वाले में 10% आएगी, जंप करना है, ठीक है, 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 लाख से 9 लाख, 9 लाख से 12 लाख 15%, 12 से 15 20%, और अब आखिरी में जब 15 के बाद जंप करना है 10%, तो 15 लाख के ऊपर 30%, ठीक है, सरचार्ज में वही सरचार्ज है, बस वो आखिरी वाला हट गया, 37% नहीं है, है ना, तो अगर टोटल इनकम 50 लाख के ऊपर है, 50 लाख तक के तो कुछ नहीं, 50 लाख के ऊपर है तो 10%, 1 करोड़ के ऊपर है तो, 2 करोड़ के ऊपर है तो बस, है ना, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों के लिए, ये नोट अपन ने नहीं लिखा था क्या, लिखा था मैंने, ये रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों के लिए, तो नहीं लिखा है तो लिख लो, और जब रिवाइज कर दो तो सारे नोट्स के साथ रिवाइज किया करो, ठीक है। हाँ चलो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर रिबेट अंडर सेक्शन 87A बताओ, अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी टोटल इनकम 7 लाख है, ठीक है, तो रिबेट मिलेगा, कितना मिलेगा, टैक्स अमाउंट और 25,000 विचेवर इज लोअर, ठीक है। अच्छा रिबेट के साथ मार्जिनल रिलीफ भी मिलता है डिफॉल्ट स्कीम में, ठीक है, तो अगर 7 लाख से थोड़ी ही ऊपर जा रही है इनकम, कितनी जा रही है, मैंने तुम लोगों को लिमिट बता दी थी कि इसके ऊपर जाएगी तो मार्जिनल रिलीफ का लगेगा ही नहीं,
7,27,770 यहाँ तक की इनकम अगर है इसके अंदर की है तो फिर माइनर लीव चेक कर लेना, लगा देना, ठीक है। माइनर लीव पढ़ाई करना है, पहले 7 लाख जो भी इनकम है उस पर टैक्स निकाल दिया, प्लस सरचार्ज तो नहीं है ना, टैक्स निकाल दिया, फिर 7 लाख पे जीरो टैक्स, और जो एक्सेस इनकम है वो अपन सीधे करना तो दे देंगे निर्मला जी, निर्मला जी को दे देंगे, निर्मला सीतारमण तो है हाँ, तो उनको दे देंगे और उसमें अच्छी सी और ऐड करके दे देंगे, ठीक है। क्लियर है क्या? चलो इसके बाद बस इसके अलावा एक टॉपिक और है, वो डीम्ड वाला, डीम्ड इनकम वाला है ना, जिसमें क्या क्या था, कैश क्रेडिट था, तो मैंने तुम लोगों को नोट से पढ़ा था वो, इसमें ऐसी बता दो क्या क्या था, अगर आपके बुक्स में क्रेडिट हुआ है और एक्सप्लेनेशन नहीं है, प्लस जिसने आपको दिया उसके पास भी सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, तो वो आपके हाथ में क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद तुम लोग भी बताते जाओ मुझे जल्दी से, लोन वाला था कि अगर मैंने किसी से लोन लिया, ठीक है, और मैंने तो एक्सप्लेनेशन दे दिया कि मैंने तो लोन लिया है, पर फिर यो किससे पूछेगा, यो मतलब असिस्टिंग ऑफिसर किससे पूछेगा जिसने लोन दिया है, उसके पास अगर सैटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं है तो फिर मेरे हाथ में ये लोन क्या मान लिया जाएगा, इनकम मान लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट था, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया और मैं इन्वेस्टमेंट का सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट मेरे हाथ में क्या मान ली जाएगी, इनकम। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक पॉइंट और था थोड़ा सा अलग है ना, हाँ, इन्वेस्टमेंट अगर मैंने कम प्राइस में शो की अपनी बुक्स में, जितनी वो होनी चाहिए डीओ के हिसाब से उससे कम दिख रही है मेरे बुक्स में, तो मेरे को सस्ती कैसे पड़ी, वो अगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ एक्सेस अमाउंट क्या कहाँ गया वो नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो मेरे हाथ में इनकम मान लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या था पॉइंट, हुंडी वाला था, हुंडी अगर बैंक चैनल के थ्रू पेमेंट नहीं हो रही है या रिसीव नहीं हो रही है, अगर मैं हुंडी से पैसे ले रही हूँ या मैं हुंडी के पैसे रीपे कर रही हूँ पर बैंक चैनल से नहीं कर रही, ठीक है, तो वो पैसे भी मेरे हाथ में क्या मान लिए जाएंगे, डीम्ड इनकम मान लिए जाएंगे। और कोई पॉइंट था, इन्वेस्टमेंट वाला हो गया, लोन वाला हो गया, एक बार नोट्स में देख लो, ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट वही बुलियन वाला था ना, बुलियन गोल्ड बिस्किट अगर लिए हैं और उसका सोर्स नहीं बता पा रहे तो फिर वो डीम्ड इनकम आ रही है। ईओ डिसाइड करेगा कि सैटिस्फैक्ट्री है कि नहीं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ईओ को नहीं लग रहा है सैटिस्फैक्ट्री तो मतलब नहीं है सैटिस्फैक्ट्री, फिर हमको अगर लग रहा है कि नहीं सैटिस्फैक्ट्री और ये फालतू में नाटक कर रहा है तो फिर हमको अपील करनी पड़ेगी, समझ गए? हाँ चलो हो गया रिवीजन, कल दे दो बेटे ऐसे अपने से, ठीक है, अच्छा और तो बेस्ट तो दे देगा उसके बाद आकर नहीं परसों नहीं कर लीजिए ना, तो क्या हुआ मेरे को चले हम लोग यहाँ पे 6:30 तक रहते हैं, 4 बजे या 5 बजे कोई दिक्कत नहीं आता, और कोई पेपर इसके साथ शेयर नहीं करना, कोई चीटिंग मत करना। चलो कितने बज रहे हैं, 2:15 हुआ ना, एक तो तुम लोगों का